सांस फूल नहीं है भाई, मैं अपने गांव से पहला आदमी हूँ। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप माय लवली फैमिली, क्या हाल है भाई। -2 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग नहाने जा रहे हैं। ये देखो पीछे का सीन, और पीछे देखो बर्फ कितनी भयंकर सी पड़ रखी है। आज मौसम अभी खुला खुला सा लग रहा है, बारिश नहीं है। अभी दर्शन करने के लिए जाना है यमुनोत्री के लिए ना। ये यमुना नदी का उद्गम यहीं से हुआ है, ये देखो जा रही है, आगे मिलेंगी आके अपने को। तो अभी नहाते हैं इसी चिल्ड वाली बिल्कुल बर्फ वाले पानी से, ठंडे ठंडे पानी से अभी नहाते हैं, और भाई साहब सीन बनाते हैं और फिर चलते हैं पैदल यात्रा। यहाँ से 6 किलोमीटर चलना है यहाँ से पैदल। तो नहा के भाई सब लोग रेडी हो चुके हैं, ये भी हम भी सब लोग, और यहाँ से अब दर्शन के लिए जाते हैं। ये देखो कितना जाम लगा हुआ है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है। अब यहाँ से पैदल यात्रा इधर को शुरू करेंगे अभी। तो अभी 6:20 हुआ है भाई, और हम सोचो यहाँ पर नहा के यात्रा भी प्रारंभ कर दिए हैं। तो रास्ता जो है अपनी प्रारंभ हो चुकी है पैदल यात्रा में, और ये देखो यहाँ भी खड़ी अपने हरदोई से, ये UP 380। ये हाँ, हमको लग रहा है ये भी 4 धाम आई है, सोनल एक्सप्रेस। तो ये देखो यहाँ पे गेहूँ में बाली आ गई है भाई, सरसों भी है। तो यहाँ पे हर समय ठंडी रहती है, तो गेहूँ ठंडियों में होता है, कभी भी कर ले आप। ये देखो निखिल, 500 मीटर चढ़े हैं, बताओ इधर बताओ भाई। 500 मीटर चढ़ के खफ गए, पता नहीं 7 किलोमीटर कैसे चढ़ पाऊँ। ये गुरु बढ़िया मस्त चश्मा लगा, बिल्कुल बेटी। तो भाई इन रास्तों से चढ़ के ऊपर जाना होता है यमुनोत्री के लिए। 50 मीटर नहीं चले, फेफड़े फूलने लगे। कोई नहीं, मैनेज कर रहे थोड़ा सा। तो वो देखो भाई ऊपर धूप निकली है, वो देखो आपको पहाड़ों से दिख रहा होगा, आधे आधे ऊपर के पहाड़ जो है धूप निकली हुई है। अरे ये 500 मीटर में फेना फेंक गए, फेना क्या हम भी 5 किलोमीटर है भाई, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी और है। पहाड़ियाँ हैं, तो ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं खतरनाक हैं, बिल्कुल एकदम ऊपर है, इससे कुछ भी हो सकता है, कभी भी पत्थर गिर सकता है। और ये जो पैदल वाला रास्ता है इसमें देखो, ये देखो नीचे नीचे सब वो हो चुका है इनमें। अच्छा भाई, पैदल यात्रा बनाई गई है, इसमें अंदर लोहे के रॉड फंसा के ये वाले, उसके ऊपर पैदल यात्रा बनाई गई है। अरे ये देखो हवा में नहीं कटाई है, इसके नीचे लोहे के वो लगा के 3 पटरा डाल के तब ये यात्रा बनाई गई है ना। और ये नीचे यमुना नदी का बहान, तो ये नीचे घोड़ा पड़ाव यमुनोत्री का, और धूप ऊपर जो है काफ़ी अच्छी खासी निकल चुकी है। माँ यमुना से यही प्रार्थना है कि पूर्ण हो आपकी सभी मनोकामना। ये देखो धूप काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो चाय पीने के लिए रुके हुए थे, और ये देखो भाप भाई निकल रही है थोड़ा सा, यहाँ पर चाय पीते हैं बैठ के, चाय बन चुकी है। तो मिलते हैं, तो कुछ दूरी पे आपको ये गेट मिल जाएगा। ये देखो चलो साइड में चलो। उधर से आए थे भाई, काफ़ी दूर पैदल चल के आ गए हैं, पता नहीं चला, मस्ती से। वो गेट है देखो मेन वाला, ये देखो भाई यहाँ बहाव के साथ साथ हवा आ रही है बहुत प्यारी सी, और इधर बहुत प्यारी सी धूप भी खुल चुकी है, आसमान बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और आधे रास्ते चढ़ चुके हैं, वो देखो वहाँ से बर्फ निकलना शुरू, काफ़ी ठंडा पानी हो गया ऐसा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी एसी चल रही है, हवा आ रही है एसी वाली। यहीं से भाई हवा का रुख है, ये देखो पानी के साथ साथ नाव पे चल रही है ऐसी, नाव पे चल रही है भाई, नाव पे ऐसी चल रही है बढ़िया सी। 3 किलोमीटर चलने के बाद आपको प्राचीन श्री राम मंदिर दिख जाएगा। ये देखो रास्ता आगे और पतला होता जा रहा है। तो ये सब भाई लोग मिले हैं अपने को, ज्वाइन कर चुके हैं यात्रा में, पैदल यात्रा में, और सब साथ में चल रहे हैं भाई। ओ भाई जय महाराष्ट्र, जय भोले, चैनल को सब्सक्राइब।
सूर्य नमस्कार भाई साहब, वो देखो सूरज दिखने लग गया है। अभी ऊपर चल के कपड़े निकाल देंगे, गर्मी लगने लग गई भाई। जय शंभु, बाबा की जय। स्थिति देख के हम लोगों में जोश जगा है और इन्हीं को देख के हम लोग चढ़ना शुरू किए हैं। बाबा की इतनी उम्र होने के बावजूद भी बाबा थक नहीं रहे हैं और बाबा चलते जा रहे हैं। आओ हम लोगों में देखो, जय शंभु। गुरु की क्लच प्लेटें भैया धुआं दे गई हैं, चढ़ाई ज्यादा है इस वजह से हीट कर रही है पूरा पूरा। गुरु बोल भी नहीं पा रहे हैं, साउंड चला गया गुरु का। सांस फूल रहे हैं भाई। मैं अपने गांव से पहला आदमी हूँ जो यहाँ तक आया हूँ। बुढ़ापे का सहारा, एक तो लाठी और दूसरी भाई पत्नी, चार धाम करने के लिए आए दोनों कपल बोल सकते हैं ना। तो धूप बढ़िया से खिल चुकी है भाई। ये देखो इधर वाले में ठंड है, ऊपर बर्फ, बर्फ के पास पहुंचे हैं आज ही। वो यहाँ से 3.5 किलोमीटर बचा है भाई और धूप यहाँ भी अच्छी खासी निकल आई है। ये देखो मजे लो भाई कतरत के। ये देखो भाई छोटा सा वाटरफॉल बढ़िया से गिर रहा है जजा जजा, और बर्फ के नजदीक आ चुके हैं। फालतू में जैकेट निकाल दिए, अब यहाँ पे फिर से धूप चली गई है। धूप अब ऊपर है, उसकी छांव आने लगी इस वाले पहाड़ की। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बर्फ पिघल के आ रही है। बेकार में भाई अब ठंडी लगने लग गई, थोड़ा दूर चलने पे फिर धूप मिलेगी हमको लग रहा। ये रास्ते में एक पुल पड़ा है भाई, और ये देखो इधर से भी, इधर भी बर्फ़ गिरी है तो ऊपर पिघल रही है। वो देखो सामने बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ अब ज़्यादा दूर नहीं है पास ही में। तीन बंदे भाई नीचे उधर वाला रास्ता चुने हैं, समझ रहे हो। चिल्ला ले इतना नीचे है, आ क्या रहे हो, आ जल्दी जल्दी आओ। फोटो वीडियो फोटो शूट करके देख रहे हो, नीचे से आए हम इधर से आए थे। ये देखो आप पहुंच गए, चलो आ जाओ फटाफट। ये रास्ता उधर से घूम के आया है, कितने फोटो खींचे, दो तीन, तीन फोटो के लिए इतनी मेहनत भाई, पांच खींची भाई, मजा आ गया खींचने। चलो सब आगे भाई चलते हैं, चलो गुरु। इन लोगों की भाई क्लच प्लेटें पुरानी है, बहुत हार्ड है, पता नहीं कौन से लेदर की बनी थी, रुकने का नाम नहीं लेती, चलती जा रही है। एक दादा को लाठी लिए हुए वहाँ पे, उनका भी भाई साहब कितना दूर ज़्यादा बचा, और 2.5 किलोमीटर जाने का। आप दर्शन करके आ रहे हो, कभी रुद्रा भी ऐसे बैठ के जाएंगे भाई, आज नहीं तो बस। गुरु भाई स्टिंग लेने जा रहे हैं, ऐसा ना हो पीने के बाद मंदिर से आगे निकल जाएं, इधर ही निकल जाएं केदारनाथ। जितना भाई ऊपर चढ़ते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा गर्मी आती जा रही है, पता नहीं हो क्या रहा है। बर्फ के पास जाते जा रहे हैं और भाई गर्मी आती जा रही है, सारे कपड़े हमने फोल्ड कर लिए, ओनली टी शर्ट ठीक है बढ़िया। एक है भाई छोटा सा वाटरफॉल है, ये देखो परेशान हो गए यार पैदल चढ़ते चढ़ते, जब देखो तब 3 किलोमीटर वो पता नहीं कहाँ हमको दिख रहा है हल्का हल्का, वहाँ से आए हैं भाई, जिंदगी नाश हो गई। बोर्ड कलर लगे हैं, बोर्ड कलर लगे हैं, 10 बोर्ड मिलेंगे तो 200 पे लिखा होगा थोड़ी थोड़ी दूर पे 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे जोर जोर से भाई जयकारे लगा के लोग चढ़ रहे हैं। थके नहीं हो भाई, थके नहीं हो, ये देखो भाई छोटा सा बच्चा भी थका नहीं है। जय माता दी, जय माता दी, आगे बोलो, अरे पीछे बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब जाके दम लगी है भाई, थोड़ी सी एनर्जी आ गई,
जाम लग गई। तो हमको गुरु दिख गए हैं, ये आ रहे हैं अपना बैग वैग टांग के। नाम रखे थे अपना राणा। ओ भाई राणा तो राणा, इनके प्राण उखड़ गए, समझ रहे हो? शिलाजीत खा लियो, तब ये हाल है इनके। ये देखो यमुनोत्री भाई, यहाँ से 1 किलोमीटर बचा है, कृपया आराम करते हुए चले धीरे धीरे। हर जगह लिखा है और 1 किलोमीटर भाई और चढ़ लेने दो, समय हो गया है काफ़ी ज़्यादा चढ़ते चढ़ते। गुरु का कोई पता नहीं है, बहुत पीछे है। तो यहाँ से चढ़ाई भाई 800 मीटर बची है और इन भाई की दुकान पे हम रुके हुए हैं, जो कि चाय बना के हमको पिलाएंगे अच्छी सी। ना भाई अच्छी बनाओगे ना, एक नंबर की चाय बनाएंगे, इन लोगों को देख लो। और आइएगा यहाँ पे तो इनकी भाई चाय और मैगी लीजिएगा। मैगी सिर्फ 50 रुपये की देते हैं यहाँ पे, 50 रुपये की ना, बढ़िया सी मैगी बना के दे रहे हैं भाई। सबसे सस्ता सस्ता है, इनसे हमने डील कर ली है। ये वाला वीडियो देख के जो आएगा 5 रुपए सस्ता देंगे। हाँ। ज्यादा नहीं कर पाएंगे, 5 रुपए सस्ता कर देंगे, ठीक है भाई। जो लखनऊ से आएगा अगर बता दिए ना, नवाबों के शहर से हैं, तो यहाँ ये मत बताना लखनऊ से हैं, ये बताओ सीधे कि नवाबों के शहर से हैं। नवाबों के शहर से अपना लखनऊ जो है यहाँ पे फेमस है। और आओ यहाँ पे चाय पियो, 5 रुपए डिस्काउंट मिलेगा फुल्ली। तो बारिश की वजह से इन वाले पेड़ों पे देखो काई जैसी जम जाती है बिल्कुल। हाँ ये देखो ये सब काई काई जमी है। तो अब भाई हम इतनी ऊंचाइयों पे आ गए हैं कि वो वाला जो जिस पे बर्फ़ जमी हुई थी सुबह दिखाया था आपको, वो बिल्कुल हम लोगों के बराबर आ चुका है। ये वाली पहाड़ी भी ख़त्म हो चुकी है, बर्फ़ बिल्कुल पास आ चुकी है। यहाँ से 300 मीटर बचा है यमुनोत्री। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है भाई, कहाँ ले आ रही है भैया घोड़े वाले भैया, जिंदगी नाश करें। तो यहाँ पे काफ़ी सारे झरने हैं, 1, 2, 3 ऐसे करके। और ये भैया टोली वाले हों चाहे घोड़े वाले हों, इन सबका जो टूरिस्ट के सामने बात करने का बिहेव है वो बहुत गलत है। धक्का धक्का मार के चलते हैं, भले तुम नीचे चले जाओ, समझ रहे हो? ये सब आने जाने वाला है नहीं यहाँ। और बहुत जल्दी लड़ाई बिगड़ते हैं भाई, इनसे कुछ बोलो तो तुमसे ऐसे बोलेंगे, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई किए बिना मानेंगे नहीं। तो ये सब बर्फ़ पिघल पिघल के आ रही है, धूप जितनी ज़्यादा लग रही है उतनी ज़्यादा बर्फ़ पिघल रही है। और बस भाई आगे से ढाल है बोला गया है, लिखा हुआ था आगे में ढाल है क्या। तो देखो सुंदर सुंदर से झरने भाई, ये देखो यहाँ फोटो खींच में। तो यमुनोत्री धाम में भाई स्वागत है, पहुंच चुके हैं। सामने मंदिर दिख रहा है, 200 मीटर ज़्यादा ज़्यादा बचा होगा बस। तो भाई प्रथम जो है अपनी चार धाम यात्रा में से एक धाम आज हमने कंप्लीट किया है। 23 को आए थे या 27 है ना भाई, 26 है आज, 26 है। 3 दिन लग गए आते आते, रास्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब मिले हैं। वो सामने मंदिर रहा और चल के पास से दिखाते हैं मंदिर। इधर सामने गर्म कुंड है, वहाँ पे गर्म पानी आता है और ये सब बर्फ़ से आ रहा है। गर्म कुंड का कोई पता नहीं है कहाँ से गर्म पानी आता है, ये जो भाप उड़ रही है अभी पास से दिखाएंगे चल के वहाँ पे। तो फाइनली मंदिर आ गए हैं, चलो अब दर्शन करने के लिए चलते हैं, मिलते हैं सीधे मंदिर के अंदर। सामने वो भाई वो अपना यमुनोत्री मंदिर है और वो देखो ये गर्म कुंड है ये भैया। एक बार ये वाला छोटा सा वाटरफॉल और ये उधर से ऐसे घूम घूम के आए हैं भाई, परेशान हो गए पर मंदिर आ चुके हैं अभी। ये इधर कैंटीन है, काफ़ी सब और जलेबियाँ हमें मिल रही थी भाई। और वो रहा यमुनोत्री मंदिर, वहाँ पे नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध है। अरे भाई अजीब सी ठंड लग रही है यहाँ पे, पूरा ये ऊपर से तरफ जो है पिघल पिघल के आ रही है, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है यहाँ पर। ये चल रहा है जियो, अपनी एयरटेल है तो भाई से शेयर करवा लिए हैं। सचिन उगो मेरे पे फ़ोन कर रहा है। तो अपन लोगों के भाई जूते चप्पल जमा हो चुके हैं और इतने ज़्यादा ठंडी है, सामने मंदिर है भाई, आओ दर्शन करते हैं।
अभी। तो आप लोगों को भाई बिल्कुल सामने से दर्शन कराते हैं। तिलक भाई फोटो ये सामने मंदिर है और यहाँ पे दर्शन कर लिए हमने और आप लोगों को भी फाइनली यमुना जी के दर्शन करा दिए हैं। तो यहाँ पे सूर्य मंदिर का भी दर्शन कर लिए हैं, इसके बाद आगे चलते हैं ऊपर थोड़ा सा और वहाँ पे मंदिर है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो हम बाहर आते हैं और आपको सामने से मंदिर का व्यू देते हैं। सामने सूर्य मंदिर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दर्शन करते हैं बाबा जी के धाम में। तो अपनी चार धाम यात्रा से एक धाम की यात्रा पूरी हो चुकी है। सामने पीछे यमुनोत्री मंदिर है और हमने आपको भी और खुद भी सबने दर्शन कर लिए हैं मंदिर के। और ये देखो काफी सारी भीड़ और बैटरी नहीं बच रही है, तो सब कुछ आप लोगों ने देख लिया पैदल कैसे आए हैं, कितना टाइम लग गया। हाँ टाइम बता दें, 6:30 बजे चले थे और 11:30 बजे पहुँचे हैं, 11 बजे मान के चलो पहुँचे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा 7:30, 8:00, 9:10, 11 4.5 घंटे का टाइम लग गया है। तो पर आ गए हैं, यहाँ पे दर्शन भी हो गए, अच्छे अच्छे दर्शन हो गए। ये एक बार मौसम देख लो कितना प्यारा सा लग रहा है, सब कुछ भाई साहब कुछ ही पल में यहाँ से निकलने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे बंद और ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चारों धाम की यात्रा आपको कराएंगे, तो ये यमुनोत्री धाम की यात्रा आपने करी है, दर्शन कर लिए, नए दर्शन हो गए हैं, सबको अच्छे अच्छे दर्शन हो गए हैं। तो जय माता दी।